मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ग्वालियर की क्या स्थिति है इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, क्या जानकारी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था ग्वालियर और आसपास के इलाके जहां भी बारिश नहीं हो रही थी, लोग काफी तरस रहे थे। फिलहाल क्या स्थिति, आगे के लिए क्या अनुमान? देखिए, कल शाम से मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है। कल जरूर तेज बारिश हुई थी, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो देखा कि रिमझिम फुहारें मंगलवार का स्वागत कर रही है, मंगलवार के दिन का, तो लोग बेहद खुश हैं। जिस तरह की गर्मी उन्हें महसूस हो रही थी उससे निजात मिली है। इस तरह की बारिश का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं दे रही है ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को। शिवपुरी को अगर छोड़ दें तो कुछ दिन पहले शिवपुरी में जिस तरह की बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात बने, बाकी किसी जिले में इस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिली। हमारे साथ ग्वालियर के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बारिश का जो मौसम है, मानसून जिस तरह से भोपाल इंदौर पर मेहरबान है, ग्वालियर की क्या स्थिति देखते हैं? नहीं, जो भोपाल और इंदौर में जिस तरह के मानसून है, शिवपुरी में बाढ़ आ रही है, ग्वालियर में उस तरह का नहीं है मानसून, मगर कल से मौसम अच्छा हो गया है, फुहारवरी बारिश हो रही है। लोग, आज मंगलवार का दिन है हमारे यहाँ, तो लोग अच्छे पिकनिक स्पॉट्स पर जाएंगे, तिगरा डैम पर जाएंगे, लोग पिकनिक मनाएंगे। आज का दिन अच्छा खुशनुमा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी उमस में भी मतलब राहत मिली है कल की बारिश से। अच्छा, ये थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कों की क्या हालत हो जाती है? सड़के गड्ढे मड्ढे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाती है, निकलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा, जल भराव देखते हैं आप, सामना करते हैं उसका? जल भराव का सामना करना पड़ता है। ग्वालियर की सड़कों पर जो है वो निकास नहीं है बिल्कुल भी, जगह जगह जलमग्न हो जाता है, जल भर जाता है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। आपके माध्यम से यही कहेंगे नगर निगम प्रशासन से कि उनका गड्ढों का भराव कराएं और सभी लोगों को निकास वाली रोडें बने जहाँ पानी निकल सके। तो देखिए, ये बात निकलकर सामने आई कि जरा सी अगर बारिश ग्वालियर में हो जाए तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है, लेकिन जिस तरह की बारिश की दरकार है ग्वालियर को, वो उस तरह की बारिश नहीं हुई है। बात करें यहाँ का जो एकमात्र पीने के पानी का स्रोत है तिगरा डैम, वो भी उस तरह से नहीं बढ़ा है जिस तरह से भर जाना चाहिए था। काफी हद तक तिगरा डैम खाली है और आसपास के डैमों की भी यही हालत है। कैचमेंट एरिया जो है वहां पर भी उस तरह की बारिश नहीं हुई जिस तरह की बारिश की दरकार है। तो उम्मीद है कि जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि अभी बारिश और होगी, तो शायद ग्वालियर का जो बारिश का कोटा है वो पूरा हो। अभी बारिश को अच्छी खासी बारिश का, क्योंकि अभी भी उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो पाई। शुक्रिया प्रहलाद आपका स्थिति हमको समझाने के लिए।